अच्छा जी, यही जो क्वेश्चन है वो आईबीए के पास पेपर में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये रेशो वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो 6th क्लास के यूनिट नंबर 6 में से है। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसी जैसा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, अ ड्रिंक कंटेंट 20% मैंगो जूस एंड द रेस्ट इज एप्पल जूस, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मैंगो जूस टू एप्पल जूस। अब यहाँ पे मैंने मैंगो का लिख दिया, यहाँ पे मैंने एप्पल का लिख दिया। ठीक है, अब मैंगो कितने हैं हमारे पास, 20, तो रिमेनिंग कितने होंगे, एप्पल 80, 20 यहाँ पे 80। अब इसका इसको जो है वो दो का टेबल अगर लगाएं तो कितना होगा 10, और इसको दो का टेबल लगाएं तो कितना होगा 40, और इसको आप 10 को 10 का टेबल लगाएं तो कितना होगा 1, और इसको लगाएं तो कितना होगा 4। तो ये आपका रेशो आ गया 1:4। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर था, ये आईबीए के पास पेपर में जो है वो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। अभी जो मैंने क्वेश्चन निकाला है, ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट नंबर 6 रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है जी, बुक छठी बुक में से। अब ये क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 67 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं, 67 स्टूडेंट इन अ स्कूल, और बॉयज़ कितने हैं, 350 आर बॉयज़ एंड रेस्ट आर गर्ल्स, बाकी रिमेनिंग क्या है, वो गर्ल्स हैं। फाइंड द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स ऑफ द स्कूल। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉयज़ लिख लिया और यहाँ पे मैंने गर्ल्स लिख लिया, तो बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 350, यहाँ पे मैंने 350 लिख दिया। ठीक है, रिमेनिंग गर्ल्स कितनी बच जाएंगी हमारे पास, 320। ठीक है जी, रिमेनिंग गर्ल्स 320 है हमारे पास। तो अगर इसको मैं दो का टेबल लगाऊंगा तो कितना होगा यहाँ पे, ठीक है 5 का टेबल लगाएंगे, ठीक है 5 का टेबल लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 70। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 64, और इसको अगर मैं दो का टेबल लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 35, और यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है, तो इसका रेशो क्या बना, 35:32, ये इसका जो है वो राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।